उसके बाद वहां से निकलकर अय्यूब से सुनते हैं। अय्यूब कहता 19 अध्याय में 25 से पढ़ता, मुझे तो निश्चय है कि मेरा चुड़ाने वाला जीवित है और जिनसे मैंने प्रेम किया है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा चुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आई नो माई रिडीमर लिव्स एंड एट द लास्ट ही विल स्टैंड अपॉन द अर्थ। आई नो दिस जॉब आर योर प्रॉफिट, सच ए ग्लोरियस प्रोफेसी कम्स एट मी। बीवी और कुछ कहती है लेकिन वो कहता मेरा उद्धारक जीवित है, वो ये जगत में दोबारा आने पर है। हालेलुया। और अपनी काल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर के दर्शन में पाऊंगा। आफ्टर माई स्किन हैज बीन दस डिस्ट्रॉयड इन माई फ्लैश आई सी गॉड, डिक्लेयर इट एंड यू शैल सी इट। दैट्स गॉड्स प्रॉमिस, गॉड्स वर्ड इज एश्योरिंग इट। परमेश्वर का वचन निर्णय दिलाता और परमेश्वर का मुंह ने यह बात कह दिया है, इसलिए कहो तो जरूर सुनोगे, देखोगे अपने आंखों से देखोगे। शरीर शायद नष्ट हो जाएगा लेकिन तुम देखोगे। आमेन। Whom I shall see for myself, उसका दर्शन में आप ही आंखों से, मेरी आंखों से देखूंगा। I alone with my own eyes will behold him, my eyes shall behold and not another। हालेलुया। मैं देखूंगा, तू जरूर देखोगे। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझको जिलाया, दूसरा कोई होता तो खुदकुशी करता। आमेन। If somebody else, they would have hanged themselves up listening to their wives। हम आगे बढ़ते, हम एशिया में आता 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ता है। You're running short of time। मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। पहले तो कहता था मैं अशुद्ध। One word ago he said, woe is me for I am lost, I am a man of unclean lips, I dwell in the midst of a people of unclean lips। एक वाक्य के पहले उसने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होटे वाला मनुष्य है, अशुद्ध होटे वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं। हमें अभी मैं सेनाओं के यहोवा को देखकर कैसे जीवित रह सकता? ऐसे सब कहने वाला मनुष्य अब कहता है मुझको भेज, मैं जाऊंगा। ये रूपांतर कैसे? स्वर्ग ने कहा मैं तुझे शुद्ध किया है, मैं तेरे मुंह को शुद्ध किया है, मैं तेरे जीव को शुद्ध किया है, स्वर्ग के वेदी के अग्नि ने तुझको शुद्ध किया है। आमेन। द फायर फ्रॉम द ऑल्टर ऑफ गॉड हैज टच्ड एंड क्लेंस्ड एंड सैंक्टिफाइड योर लिप्स एंड योर माउथ एंड योर टंग, सो यू कैन अटर सच थिंग्स, यू कैन आस्क हेवन टू सेंड यू ऑन हिज बिहाफ। You were wretched, you were lost, you were useless a moment ago, but heaven declared that you have been cleansed, that you have been sanctified, so I will say, I will go. When you say so, you are sent. Amen. स्वर्ग ने कहा मैंने विश्वास किया। आमेन। अय्यो ഞാൻ അശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, അശുദ്ധാന്തരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ, അശുദ്ധികളുടെ മധ്യ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. എന്നാൽ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മാറ്റി പറയും, കാരണം സ്വർഗത്തിലെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നു. സ്വർഗം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ വായത്തൊട്ടു. ഹാലലൂയ്യ. എന്റെ യാഗപീഠത്തിലെ അഗ്നി നിന്റെ വായത്തൊട്ടു, നിന്റെ അധരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ നാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ വായാകാം, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ നാക്കാകാം. യു വിൽ ബി മൈ ടങ്, you will be my face, you will be my mouth, and you will go, you will speak like Jesus sent from the Father. Hallelujah. यीशु के जैसे पिता ने भेजा वैसा तुम भेज दिया जाएगा। यीशु के मुंह से इस तलवार निकला, यीशु के मुंह से इस वचन निकला, अधिकार के साथ इसे तेरे दल तेरे 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 चेहरे तेरे मुंह से निकलेगा। हमें आगे बढ़ता है, यिर्मयाह में आया 17 अध्याय में आया 16 वचन पढ़ना हमें, 16 वचन। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते ही तेरे चरवाहे का काम करना नहीं छोड़ा। यह बात हमने शुरुआत में पढ़ा, यही बात वहां लिख रखा है। ऐसा कहना है, मैं कहूंगा आप कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से जाकर हम 20 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं।
हम भाई हाथ जानते हैं, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में दत्कती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। कहते इवन इफ आई डिसाइड नॉट टू स्पीक इस वर्ड इट विल बर्न विद इन मी। हालेलुया। When the rocket is fired, it cannot remain within me. It comes out of my mouth. Hallelujah. A rocket जब जलाया जाता है, when it is ignited, वो भीतर नहीं रह सकता, वो मेरे मुंह से बाहर आता। Amen. वो कहते मैं इसको रुका नहीं सकता, मैं बोलूंगा। सारे लोग विरोध करे, बोलूंगा। सारे लोग मेरे खिलाफ में कुछ भी करे, कैसा भी करे, मैं बोलता रहूंगा। Hallelujah. ऐसे परमेश्वर का दास कहता, उसका निर्णय है। वो कहते मैं बोलूंगा, बोलने का मूड नहीं है तो भी बोलूंगा। आमेन। बोलने का वातावरण नहीं है, इट्स नॉट द वेरी कंड्यूसिव एटमॉस्फियर। आमेन। येट इट्स नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट, येट आई विल ओपन। हालेलुया। Because his words keep burning within me like a lighted, ignited rocket. Hallelujah. It has to come out of my mouth and I will declare it. Amen. हम आगे बढ़ते हैं, हम शीघ्र गति से आगे जाएंगे, हमें जाना है यहेस्कियल के पास जाना है, क्योंकि यह सब भविष्यद्वक्ताओं का मुंह से हमने पिछले दिन कुछ कुछ सुना था। और वो लोग जय पाकर आगे निकला, वो लोग चौके सोने के जैसे निकला। We looked at all these prophets on last Sunday and we found that they were victorious. They emerged victorious and they came out as polished stone, as refined gold. And we will see what cost it. Kaisa ye hua, hame janna hai. Hum unko hi poochte hain. Aur 37th adhyay ke sath wo vachan padhte hain. Is aagya ke anusar main bhavishyadvani karne laga. वो कहते हड्डी सूखी हड्डी है, तू उससे तू बात करेगा। मुझको उसने पूछा, तू जानते हो क्या ये जी सकते हैं क्या? He asked me whether these dry bones can live. I said you know it, and he said do you know it? If I know it, you know it. Amen. You are the chosen one. I have revealed it to your heart that you will speak it. Amen. I can make these dry bones come back to life, but I will speak through your mouth. As long as you don't open your mouth, these dry bones will not gain life, will not come back to life. तूने कहा परमेश्वर के लिए संभव है, परमेश्वर आज्ञा देगा तो ये सूखे हड्डियों में जीवन आएगा। अब मैं कहता हूं तूने सही कहा, और मैं कहता हूं मैं तेरा मुंह से ही बोलूंगा। हालेलुया। Hallelujah. तो इसलिए उसने मुंह खोला। Let the beauty of Jesus be seen in me. Hallelujah. यीशु की खूबी मुझ में प्रकट हो जाए। उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यद्वाणी किया। Amen. मैंने भविष्यद्वाणी किया। तब भूई डाल हुआ, हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जल गई। देयर वॉज एन अर्थक्वेक, देयर वॉज अ रैटलिंग एंड द बोन्स केम टुगेदर, बोन टू इट्स बोन। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके 10 वचन में और कहते हड्डियों को तो कड़ा करना एक बात है, लेकिन अब वो कहते और गंभीर बात कहता हूं। उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यद्वाणी की, 10 वचन में कहते हैं कि तब मांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गया और एक बहुत बड़ी सेना हो गया। हालेलुया। उसने कहा सांस से भविष्यद्वाणी दो। हालेलुया। प्रोफेसाई टू द ब्रेथ, ये तो परमेश्वर का काम है। हमने एदन के बारी में देखा, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ऐसा किया और उसके नाक में इसको श्वास डाला। हालेलुया। नाउ यू आर आस्किंग एसेकियल टू डू इट, ही विल डू इट एट योर कमांड। ब्रेथ देने वाला काम तेरा है प्रभु। ही डिड इट विकड़ा हो गया। सेना को तैयार करने वाले लोग हैं ये लोग। हालेलुया। ये लोग जाते जाते सेना को तैयार करते। हालेलुया। ये लोग ऐसे चौके सोने समान निकलते हैं। हालेलुया। कैसे निकलते हैं? उसको मुंह के शब्द से। आमेन। स्पीकिंग द राइट थिंग। आमेन। स्पीकिंग गॉड्स वर्ड्स। आमेन। डिक्लेयरिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की ओर से आज्ञा देते हुए, परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है वही सुनकर वही बोलते हुए, हिम्मत से आगे बढ़ते हुए सेना को तैयार करता। आमेन। मैंने ऐसा लिखा है, they all stood on their feet as an exceeding great army. वे ऐसे खड़े हो गया, पर हड्डी था। हालेलुया। एक बहुत बड़ी सेना हो गई है। आमेन।
परमेश्वर ने एक शब्द नहीं बोला। आमेन। परमेश्वर ने बोला जरूर, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने मुंह से कहा, जीव इजिगियल का था। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हम दानियल के पास जाते हैं। हम दानियल के पास जाकर तीसरे अध्याय का बहुत परिचित भाग पढ़ता, माफ करना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। ऐसे सब मुंह बोलने की क्या जरूरत है शद्रक मेशक अबेदनगो, मार खाएंगे ना। ओ नबूकदनेस्सर, वी हैव नो नीड टू आंसर यू इन दिस मैटर। ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല രാജാവായ നെബുക്കദ്നേസരെ. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനത്രേ. ഹമാര പരമേശ്വർ ജിസ്കി ഹം ഉപാസന കത്തേ വോ ഹംകോ ഇസ് ദദക്തേ ഹുവേ ഭട്ടേ കി ആഗ് സേ ബച്ചാനേ കി ശക്തി രക്താ ഹൈ. ഹി ഹാസ് ദ പവർ, ഹി ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി of this furnace. ये भट्टी के ऊपर उसका हुक्म चलता है जिसकी सेवा हम करता है। हालेलुया, हालेलुया। യഹസ്കേൽ പറയുന്നു, ഈ അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും, നീ പ്രവചിച്ചാൽ. എന്നാൽ യഹോവ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ വായിൽ കൂടെ പ്രവചിക്കുവാൻ പ്രവചിച്ചു, അസ്ഥികളെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. യഹോവ പറയുന്നു, ഇവയിൽ ജീവനുണ്ടാകുവാന് നീ ജീവശ്വാസത്തോട് കൽപ്പിക്കണം. ജീവശ്വാസം ഊതുന്നവൻ ദൈവമത്രേ. എന്നാൽ അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഊതാം, പക്ഷെ നിന്റെ വായിൽ കൂടിയേ ഊതുകയുള്ളൂ. യഹസ്കിയൽ അത് ചെയ്യും. ഇവിടെ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നെഗോവും പറയുന്നു, രാജാവിനോട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവം ഈ കത്തിയ ആൾ നാഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനത്രേ. അന്നേരം അവർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടോ? No sooner these words came out of their mouths than the fire, the heat of the furnace was quenched, only for them, not for the enemy. उनके लिए जब वैसे शब्द उसका मुंह से निकला, उनके लिए जो भट्टी की जो गर्म गर्मी है वो ठंडा किया गया, उनके लिए, लोगों के लिए नहीं है। आगे बढ़ता है, हम उसका पांच अध्याय का 17 पढ़ता, 5th chapter 17th verse। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। यह बात हमने उलपति में नहीं पढ़ा, यहां भी हमें पढ़ने कहता। अब्राहम कहता, जो राजा लोग आकर कहता, 14:22-23 पढ़ने कहता, हम दूसरे किधर जाके पढ़ा, वो जाके हम निर्गमन से पढ़ा। अब्राहम कहता, राजा लोगों का कहता, तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा, यहां भी यही बात है। इसके लिए वहां नहीं पढ़ा तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, समय बचा है। यहां आया, कहते तेरा दान तेरे पास रखो, ऐसा मत सोचो कि मैं सेवकाई इसके लिए कर रहा हूं। आमेन, आमेन। ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനല്ല ഞങ്ങൾ അവനെ സേവിക്കുന്നത്, അവൻ വീരനാ ദൈവം, അവൻ മഹത്വ പ്രഭു, അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നവൽ, അവൻ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നവൽ, ഞങ്ങളുടെ നാക്കിനെ വളാക്കി തീർക്കുന്നവൽ. അമാൻ, അവനെ എത്രേ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത്. വി ഡു നോട്ട് സെർവ് ഹിം ഫോർ ഫ്യൂ കോയിൻസ് ഓർ ഗോൾഡ് ഓർ സിൽവർ. Amen. We serve a mighty God who gives us such heavenly visions and understanding and revelations, who chooses to speak through our mouth, who converts our tongue into swords. Amen. Okay, tere sab tere paas rakh le. Amen. Tu batao, tu sunao, aur main uska arth bataunga. I will declare it to you. I have been given the tongue of God. Parmeshwar ka jeev उसने मुझको दिया है। आमेन। परमेश्वर का जीव उसने मुझको दिया है। हम आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़कर हमें प्रोवर्ब सब नहीं पढ़ना है, आप पढ़िएगा। अगर हम नीति वचन में जाते तो 18 से पढ़ते हैं,
18 का 21वां वचन पढ़ के ये सब लोग बहुत जानते हैं, इसके लिए मैं सोचा कि पढ़ना नहीं पढ़ना, सब लोग ये बोलते रहता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोस हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। ऐसे कहता है कि ये जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव में है, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे जीव के सामर्थ्य से होता है। ये वचन सब लोग बोलते रहता, जीव के वश में है मृत्यु और जीवन दोनों। तो कुछ लोग कहते कि स्पीक पॉजिटिव, कुछ लोग ऐसे कहते जाओ अच्छा होगा बोलते जाओ अच्छा होगा। ऐसे परमेश्वर ने कब कहा? परमेश्वर ने जुनानिया में कहते हैं, जब शांति नहीं है तू शांति क्यों कहते हो? जब आपत्ति विपत्ति आने पर तू जो कहते हो खुशहाल है नहीं है, मुझसे सुनकर बात करो। इफ यू स्पीक द वर्ड्स ऑफ गॉड, इफ यू रिमेन ट्रू टू योर कॉलिंग, इफ यू आर फेथफुल अकॉर्डिंग टू योर विजन, देन देयर इज लाइफ इन योर टंग। आमेन, आमेन। तू स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त कर वचन के आधार पर परमेश्वर से सुनकर बोलेंगे तो उसमें जीवन है, नहीं तो सब बाकी सब मृत्यु है। इसके लिए हम उसका 25वें अध्याय में पढ़ता है, 25 का अध्याय का 11, मे वी नेवर बी डिसीव्ड बाय द फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो तत्व ज्ञान है वो हमें धोखा न दे, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने कैसे हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। हालेलुया, अ वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन अ सेटिंग ऑफ सिल्वर। हाउ ब्यूटिफुली सेट, आई लव दिस वर्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई लव दिस, मुझे वचन बहुत पसंद है। वेल्ली तारतिल पन्नार अंगनेयो अंगने आगुनु। हालेलुया, सत्य वचनम തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക്, ഉചിതമായ വാക്ക്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പോക്കൻ ഇൻ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പോക്കൻ ലെജിബ്ലി ആൻഡ് ലൗഡ്ലി, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പോക്കൻ വിത്ത് ഓൾ ദ ബോൾഡ്നെസ് ഇറ്റ് ടേക്സ്. ഹല്ലേലൂയ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ ഫ്രം എബോവ്, സ്വർഗ സെ ദിയ ഹുവാ ഹോനാ ഹൈ, ഹിമ്മത് സെ ബോൾനാ ഹൈ, സഹീ സമയ പർ ബോൾനാ ഹൈ, ഊഞ്ചേ സ്വർ സെ ബോൾനാ ഹൈ. ഹല്ലേലൂയ, तब वो इसे चांदी के ताल में रखा हुआ सोने के एप्पल समान रह जाएगा, हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम विलाप के गीत में नहीं जाता, हमने पिछले बार उसमें से पढ़ा है। परमेश्वर का दास कहेगा आपत्ति विपत्ति बहुत है, हर जगह में ऐसी आपत्ति है, विपत्ति है, दुख संकट है, लेकिन मैं आशा लगा के बैठूंगा। आई विल रिमेम्बर दिस एंड आई विल होप इन द लॉर्ड, ही इज माय पोर्शन एंड वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ स्टेडफास्ट लव। हालेलुया, मैं आशा रखूंगा, वो मेरा भाग है। हालेलुया, इसलिए मैं नाराज नहीं हूंगा, मैं आशा लगा के रखूंगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है, उसके करुणा के कारण जो स्थिर स्थायी है उसके कारण हम नहीं मिट गए, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, യഹോവന്റെ ഓഹരി എന്ന് എന്റെ ഉള്ളം പറയുന്നു, നാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കരുണ കൊണ്ടാകുന്നു, അത് ദിനം തോറും പുതുതായി വരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു യെരമ്യാവ് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ പ്രാണൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴും ലോകം മുഴുവൻ വിരോധിച്ചപ്പോഴും അവൻ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, അമാകെ പൊട്ടഹേ അവൻ ഞാൻ നിയമിജാന. We go to the New Testament and start with Matthew. Matthew ka susamachar se shuru karte, 7th adhyay se shuru karte. Matthew chapter 7, 28th verse and 29. Jab Yeshu ye baatein kar chuka, to aisa hua ki bheed uske upadesh se chakit hui. When Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching. क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था. Now you know which spirit was operating in all these prophets. अब हमें पता चला इन सारे भविष्यद्वक्ताओं में, ये सारे प्राचीनों में किसकी आत्मा कार्य कर रहता है.
इसलिए पत्रस के मुंह से सुनते उसमें उनमें भी यही आत्मा कार्य कर रहा था. आमेन. द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट दैट इज ऑपरेटिंग इन देम सो सेज पीटर. आमेन. अभी हमें पता चलता क्यों इतना हिम्मत से बातें करता. आमेन. परमेश्वर के पुत्र की आत्मा के कारण है. परमेश्वर के पुत्र के जीव में सामर्थ्य है, हमारे नाशवान जीव में नहीं है. आमेन. नॉट इन द टंग्स ऑफ द मॉर्टल मैन बट द टंग्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू बी द टंग ऑफ जीसस. हालेलुया. हालेलुया. अधिकार के साथ, जैसे दूसरे लोग बात करते हो वैसा नहीं. आमेन. नॉट एज द स्क्राइब्स वुड टॉक. दे न्यू ऑल अबाउट स्क्रिप्चर. आमेन. दे न्यू इट बाय हार्ट. सब जानता था. അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് യേശു സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു, പുരാതന കാലത്ത് നാം വായിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുടെ വായിൽ നിന്നും, നാം വായിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ നിന്നും ഇത്ര ശക്തിയോടുകൂടെ ഗർജനം പോലെ ഇറങ്ങി വന്ന, വാളുപോലെ ഇറങ്ങി വന്ന വചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അത്ര വ്യാപരിച്ചത് എന്ന് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. दसवाध्याय में जाता है, दसवाध्याय का 18 से पढ़ते हैं. तू मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाएंगे. यू विल बी ड्रैग्ड बिफोर गवर्नर्स एंड किंग्स फॉर माय सेक एंड बेयर विटनेस बिफोर देम एंड द जेंटाइल्स. तुम्हें ऐसा लेके जाएगा जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा वैसे तुमको कहना होगा, लेकिन उनको जैसा मैंने वचन दिया वैसा वचन तुम्हें भी दिया जाएगा. आमेन. जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, और यह चिंता नहीं करना कि हम किस रीति से उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा. डोंट यू वरी. हालेलुया. यू विल ऑल्सो बी मेड टू स्टैंड बिफोर किंग्स एंड सच रूलर्स. हालेलुया. जस्ट लाइक शद्रक मेशक एंड अबेदनगो हैड टू, तुम भी ऐसे खड़े हो जाएंगे. चिंता मत करो क्या कहना होगा, क्या कैसे कहो, सोचने का नहीं है. मेरा जीव तेरा जीव बन जाएगा. यीशु कहता है हालेलुया, हालेलुया, माय टंग विल बिकम योर टंग बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस, बिकॉज ऑफ द फायर. मेरी वेदी की अग्नि के कारण ये संभव होगा. योर टंग विल बिकम माय टंग because of the fire of my altar where I got myself burnt up in the wrath of the father. पिता परमेश्वर का अग्नि में जैसे मैं जलाया गया वो वेदी का अग्नि से. तुम शुद्ध किया जाता പിതാവിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഞാൻ വെന്തിരിഞ്ഞ അത്തിയുണ്ടല്ലോ. ഗാൽഗോത്തിയുടെ മുകളിൽ കത്തിയാളിയ ദൈവക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നിയുണ്ടല്ലോ. അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി നിന്റെ വായ എന്റെ വായായി മാറൂ, നിന്റെ നാക്ക് എന്റെ നാക്കായി മാറൂ. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, പിടിക്കപ്പെടും തീർച്ച, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും തീർച്ച. The world might question us, will question us. We may be captured. He may be dragged to such places of authority. But his tongue, the drawn sword of God, the drawn sword of God. Amen. Aisa nanga kiya talwar hai wo. Yeshu ka jeev hai. Wo diya jayega. Aisa kehta hai, tumhe jinda karne ki koi zarurat nahi hai. Hum wahan se aage badhte hain. Andaswa dhyay se. वहां के जाकर हम 12 में देखते हैं, 12 का 35 से पढ़ते हैं. चैप्टर 12 35-37. भला मनुष्य मन के बले भंडार से बली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. द गुड पर्सन आउट ऑफ हिज गुड ट्रेशर ब्रिंग्स फोर्थ गुड, एंड द इविल पर्सन आउट ऑफ हिज इविल ट्रेशर brings forth evil. Now we know. अब नीति वचन हमें समझ में आता है. Now we know what proverbs were teaching us. The right word spoken at the right time comes from the heart of God. Amen. Amen. Which has been deposited into my heart.
which has been transferred into my heart. सही बात, ऐसे भंडार से निकलता, बाले भंडार से निकलता परमेश्वर का हृदय, जो भंडार है, स्वर्गीय भंडार है, आमेन। वो भंडार से मैंने प्राप्त किया, वो मेरे हृदय को भर दिया और मेरे हृदय की बात मेरे मुंह से आता, आमेन। I am filled from the treasury of heaven and from my treasury in my heart it comes out, amen. कहते इसे भंडार से the right things come like pure gold, like apples of gold, they come on the silver platter, right time, with the right kind of boldness and conviction, amen. ऐसे आएगा सोने के फल की तरह आएगा, एप्पल की तरह आएगा, जो चांदी के प्लेट पर रखा है सही समय पर, आमेन, सही रीति से। हालेलुया। जो भी कमी बात मनुष्य कहते हैं, न्याय के दिन हर एक उसका लेकर लेना पड़े, देना पड़ेगा, आमेन। जो गलत बात कहते हैं उससे मृत्यु है, दंड है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट पीपल विल गेट अकाउंट फॉर एवरी केयरलेस एंड सच विकेड वर्ड्स दे हैव स्पोकन, for by your words you will be justified and by your words you will be condemned, amen. Do cheez hogi, apni baaton ke karan nirdosh bhi thehraya jayega, apni baaton ke karan doshi bhi thehraya jayega. This is life and death, amen, amen. Life will come out of my mouth, the words I speak will render me righteous. Hallelujah. सही शब्द बोलूंगा मैं, उससे मैं निर्दोष ठहराया जाएगा, आमेन, आमेन। स्पीक हिज वर्ड्स, बी फेथफुल टू द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार भरोसमय रहूंगा, आमेन। और परमेश्वर को वचन के आधार पर बोलूंगा तो वो मेरे लिए वो जीवन है, जो गलत शब्द मेरे मुंह से निकलेगा तो वो मृत्यु है। इसलिए दाऊद नहीं कहता शिमई का शराब मेरे सर पे आएगा, हालेलुया, वो कहते वो अनुग्रह में बदल दिया जाएगा। इसलिए यूसुफ नहीं कहता कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसे समय न्याय किया, मैं मर रहा, मैं बहुत सह लिया, नहीं, परमेश्वर ने मुझे लेकर आया ऐसे ऊंचाई पर कड़ा रखने के लिए, हालेलुया। That is why David will not lament over Shimei's curses. He said that will all be transformed into blessing. Hallelujah. He spoke life. God said, I will transform them into blessing. Amen. इसलिए यूसुफ कहता, तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, इसके लिए मैंने बहुत कठिनाई से मुझको गुजरना पड़ा, ऐसे नहीं कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे चला के लेकर आया सिंहासन पर बिठाने के लिए। He spoke life and progress and prosperity. Hallelujah. वहां से बढ़ता है, उसके लिए वहां से हम पढ़ते हैं कि हमारा हृदय में ऐसा भंडार होना, और heart has to be such a treasure of good things. Hallelujah. वहां के बढ़ते, what can be better than the word of God? परमेश्वर के वचन से बढ़कर क्या भला काम हो सकता। इसके लिए दाऊद कहता, मेरे मेरे हृदय में इसे समा के रखा, हालेलुया, आई फिल माय हार्ट विद हिज वर्ड, विद हिज स्टैट्यूट्स, दैट इज व्हाट डेविड वुड से। हम आगे बढ़ते हैं, हमें वहां से खुद ही मार्क कर 15 अध्याय से एक वचन पढ़ना, 11 पढ़ना है। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता। दिस इज अ वार्निंग गिवन दैट वी विल ब्रिंग गुड थिंग्स ऑन द बेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, एज गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। कहते हैं कि जो हम खाता है, जो लोगों ने खिलाया उससे हम अशुद्ध नहीं होता, लोगों ने गाली दिया उससे मैं अशुद्ध नहीं होगा, लोगों ने गलती किया उससे मैं अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा, उससे मैं अशुद्ध नहीं होता। मेरा मुंह से गलत शब्द निकलता उसके कारण मैं अशुद्ध होता, आमेन। दैट विल कम आउट ऑफ द माउथ डिफाइल्स अ पर्सन। इसलिए 19वां भजन में हमने ये प्रार्थना सुना, मेरे हृदय के सारे मनन और मेरे मुंह का हर शब्द
अब नया नियम व्याकरण में सच्ची तरह पता चलता, माउथ स्पीक्स आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट. आमेन. दैट इज व्हाई द साइमिस्ट वुड प्रे, द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट एंड द वर्ड्स ऑफ माई माउथ मे बोथ बी प्लीजिंग अनटू द योर लॉर्ड. आमेन. आमेन. अभी हमें पता चलता, हमें जो लोगों ने खिलाया, जो लोगों ने धमकी दिया, जो लोगों ने गाली दिया, उससे मेरा कुछ नहीं नष्ट होता. शिमई कितना भी श्राप क्यों ना दे, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता. हमें लेट शिमई इज हर कर्स एंड पीपल शाउट एंड स्क्रीम हालेलुया, बट आई विल स्पीक द राइट वर्ड, आई विल स्पीक द राइट थिंग हालेलुया. दोस विल बी वर्ड्स ऑफ लाइफ, वंडरफुल वर्ड्स, beautiful words, hallelujah, words that give us life. वहां के बढ़ता है, वहां से हम लुका में चले जाते हैं. We move on to the gospel according to Saint Luke. लुका में जाकर 13 अध्याय से 2-3 वचन पढ़ना है. Saint Luke chapter 13, verses 31 onwards. उसी घड़ी कुछ फिरोसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चले जा, क्योंकि हेरोदोस तुझे मार डालना चाहता है. उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा. He has been asked to get away from that place. Herod would send word to him. तो हेरोदोस जो गवर्नर है, उसका मुंह से ऐसा आज्ञा निकला कि यीशु को कहो निकल के चले जाओ उधर से. यीशु कहते गो एंड टेल दैट फॉक्स, नो रेस्पेक्ट. ही वुड रेस्पेक्ट द एनिमी, वी वुड ऑल्सो नॉट रेस्पेक्ट द एनिमी. आमेन. हर कदम नहीं, हर कद से नहीं, कुछ तो मुझे बोलने को भी नहीं आता. हम कभी उसका आदर नहीं करेगा. आमेन. एट नो कॉस्ट वी विल रेस्पेक्ट द एनिमी, वी विल अब्यूज हिम, वी विल रेसिस्ट हिम. आमेन. यीशु कहते हो लोमड़ी को जाकर कहो, ही हैज नो रेस्पेक्ट फॉर द एनिमी, नॉर विल वी रेस्पेक्ट द एनिमी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनकाइंड, टॉकिंग अबाउट अ रियल एनिमी, डिमोनिक स्पिरिट्स, ईविल पावर्स ऑफ डार्कनेस. Amen. Go and tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. मैं कमरे में बंद कर प्रार्थना करने वाला नहीं हूं. मैं अब परिस में आकर, बाहर आकर, पब्लिक में करूंगा ये सब. मैं ऐसे कार्य करूंगा, मैं बंधन तोड़ूंगा, मैं बीमारों को चंगा करूंगा और तीसरा दिन मैं सारे चीज को समाप्त करूंगा. Amen. Amen. I will work on my terms. Amen. मैं मेरे मन के अनुसार कार्य करूंगा. उसको बोलो ही कैनॉट कंट्रोल मी, ही कैनॉट इवन इन्फ्लुएंस मी. आमेन. उसको कहो उसका शब्द का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं रहेगा. आमेन. जो आता वो मुझे अशुद्ध नहीं करता. आमेन. जो मुंह में जाता वो नहीं है, किधर से भी आए नहीं, मेरे मुंह से मैं निकले, जो निकलेगा वो तलवार बनकर रहेगा. आमेन. दैट विल बी अ डबल एज्ड सोर्ड, दैट विच कम्स आउट ऑफ माई माउथ, सेस द लॉर्ड जीसस, आवर ब्लेस्ड लॉर्ड. आमेन. आगे बढ़ता हम लोग कहते 13 अध्याय से सीधा यूहन्ना में चला जाता. वी मूव ऑन टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन एंड लुक इनटू चैप्टर 18. 18 अध्याय का 37 पढ़ता. पिलातुस ने कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं. मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दो. जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है. पायलट वुड आस्क हिम, आर यू रियली द किंग? जीसस आंसर्ड, यू से सो, आई एम द किंग. फॉर दिस पर्पस आई वॉज बॉर्न एंड फॉर दिस पर्पस आई हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू बेयर विटनेस टू द ट्रूथ. एवरीवन हु इज ऑफ द ट्रूथ विल लिसन टू माय वॉइस. दो तीन चीज एक श्वास में कह दिया. वो कहते मैं राजा ही हूं. उसको पीला तो उसके सामने ये कहीं नहीं था. हमें उसके क्रूस के ऊपर ऐसा लिख रखा जाएगा, दूसरे लोग कहने से नहीं होगा. पीला तो तेरा मुंह से निकला, यू डोंट टेक योर वर्ड्स बैक, यू आर ए गवर्नर, यू कैन नॉट सोलो योर वर्ड्स नाउ. पायलट, गॉड हैज ब्रॉट दोस वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ.
पिला तू तेरे मुंह से परमेश्वर ने उस शब्द को निकलवाया है, तू यहाँ का गवर्नर है, तू पीछे नहीं जा सकता, तेरे मुंह से आया, मैं जन्मा हूं, मैं राजा बनकर जन्मा हूं, आई एम बोल्ड द किंग. That is why the wise men will come and search for the one who is born the king. He said, I'm born as king. You better write it. You keep it written on the cross, on the center cross. I'm the king of the Jews. I'm born the king. And the world knows. Hallelujah. I'm not just an ordinary criminal. I'm not just an ordinary criminal hanging on the center cross. Let the whole world know and acclaim that he is a king. मैं राजा हूं और सत्य के गवाह बनने के लिए मैं आया हूं. आमेन. परमेश्वर का पुत्र बनकर आया हूं. परमेश्वर सत्य है. आमेन. जो कोई सत्य का है वो मेरा सुनता है. तू नहीं सुनता क्योंकि तू सत्य की ओर से नहीं है. पायलट, यू आर नॉट एबल टू रिसीव माई वर्ड्स और एक्सेप्ट माई वर्ड बिकॉज यू आर नॉट ऑफ द ट्रूथ और फॉर द ट्रूथ. मुंह पे. हालेलुया, हालेलुया. സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനത്ര ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എത്ര ഞാൻ ഹെരോദ് അവനോട് പറഞ്ഞത് കുറുക്ക, അവനോട് ചെന്ന് പറയണം, കുറുക്കിനോട് പറയണം, ഞാൻ അധ്വാനിക്കും, ഞാൻ മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, മലമുകളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ പരസ്യമായി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും, എന്റെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കും. അമേൻ. ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമല്ല എന്നെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത്, എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അത്രേ എന്റെ വാള്, ആത്മാവിന്റെ വാള്. ഇവിടെ പറയുന്നു പിലാത്തോസേ, നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവം ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു, ഞാൻ രാജാവ് അത്രേ. രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ എവിടെ? അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ അത്രേ. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു, നീ എന്നെ വിസ്താരം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുറ്റപത്രമായി, എന്റെ കുറ്റപത്രമായി നീ എന്നെ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നതും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നതുമായത് എന്റെ കുറ്റപത്രമായി എഴുതി വെക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു, ഹല്ലേലൂയാ, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാ. ലോകം കാണട്ടെ, അമാൻ. ശത്രു വായിക്കട്ടെ. When I was tried, this was the accusation came from your mouth, and I have accepted that accusation. Hallelujah. Let that be the accusation that will be displayed on the center cross. Amen. Jesus the Nazarite, the King of the Jews. Hallelujah. Vaage badhta hai, wahan se badhna hai. Hum 19th adhyay se 11 padhna. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है. ए पायलट, यू लिसन टू मी नाउ, कान खोल के सुन ले पिलातोस, अगर ऊपर से कोई अधिकार नहीं दिया होता तेरे पास कुछ भी अधिकार नहीं है. यू आर सो पावरलेस ऑन मी, यू नो पावर ऑफ योर ओन, इट्स गिवन बाय माय फादर. मैन, मेरे पिता ने तुझको अधिकार दिया, तेरे हाथ में कोई बल नहीं है. मेरे पिता का निर्णय है कि उसके क्रोध के अग्नि में वो मुझे जलाए. It is the decision of my father to burn me to ashes in the fire of his wrath. You have no power of your own. Amen. It's been given from above. You are a helpless man. Hallelujah. തുജ്മേ കോയി സാമർത്ഥ്യ നിന്നിൽ ഒരു ബലവുമില്ല, ഒരു ശക്തിയുമില്ല, ഒരു അധികാരവുമില്ല. പിലാത്തോസേ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ വെന്തെരിയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടും പിതാവിന്റെ നിർണയം അതായത് കൊണ്ടും പിതാവ് നിനക്ക് തന്ന അധികാരം അത്രേ ഇത്. എന്നാൽ ജിസ്നെ മുജ്കോ പക്കടുവായ ഉസ്ക പാപത്തി ഖാ. ബട്ട് പൈലറ്റ്, ദ വൺ ഹു ബിട്രേഡ് മീ, He is a greater sinner. जिसने मुझको पकड़वाया, मेरे संग चलकर, मेरे हाथ से काकर, जिसको ऊपर मैंने पूरा भरोसा रखा, उसको गचांजी बनाया,
I trusted him. I made him the treasurer. He ate of my hand. He walked with me. He delivered me over to you. He has greater sin. He declared it. He declared it. Judas Iscariot, you are contempt. हमें वहां से और एक वचन पढ़ना है, मेरे ख्याल से 30वां वचन पढ़ते हैं। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। दिस इज व्हाट वी लॉट फ्रॉम द क्रॉस। इतना चिल्लाता नहीं है, हमें चिल्लाने की जरूरत क्या है। He wanted to be accord and reaccord from all the corners of the world. Amen. Pura duniya mein ye prakambit ho jaye, pratibimbit ho jaye. Let the whole earth listen. Let heavens hear. It is finished. Amen. It is finished. Khatam ho chuki hai. Sab kuch ho gaya. Amen. Pura hua. Uttar ka kaam pura hua. Pura chutkara mil gaya. Amen. मेरे चल छुड़ाया गया, मेरे चल डर भी ठहराया गया। आसमान सुने, स्वर्ग सुने, हालेलुया। पृथ्वी पृथ्वी में गूंज उठे, हालेलुया। I will shout from the cross, which will become a decree forever. Amen. This is the new covenant. Moses, you better know. This is not the old covenant. Musa, जान लो, तूने जो वाचा की बांध किया लघु चिनकाकर, अभी जान लो इसके ऊपर, इनको तो मैं दहू से धोया है, इनको मैं ये दहू पिलाया है। ये वचन, ये वाचा क्यों है, ये कवनेंट जो है उसके भीतर रहेगा। आमेन। दिस इज द साइनिंग ऑफ द न्यू कवनेंट व्हिच विल रिमेन इन देयर हार्ट। आई वुड हैव डिस्क्राइब्ड इट ऑन देयर हार्ट। इट इज फिनिश्ड। जितने भी अब्राहम के मुंह से सुना, जितना भी मूसा के मुंह से सुना, जितना भी यहोशू के मुंह से सुना, गिदोन के मुंह से सुना, आमेन, आमेन, भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से सुना, आयुब के मुंह से सुना, वो पूरा किया गया। देयर होप, देयर बोल्डनेस, देयर एश्योरेंस वाज बेस्ड ऑन दिस अटरेंस ऑफ माय ब्लेस्ड लॉर्ड। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, मोर आगे जाना है। हम प्रेरितों के पुस्तक में जाते हैं। प्रेरितों के पुस्तक का 14 अध्याय से हम पढ़ते हैं, 29 से पढ़ते हैं, फ्रॉम 29 ऑनवर्ड्स। हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वजन बड़े की आओ से सुनाए। नाउ ओ लॉर्ड, लुक अपॉन देयर थ्रेट्स and grant your servants to continue to speak your word with all boldness। kya prarthana hai, log dhamki dete hai, log marte hai, log khatam karne ke liye piche aate hai। they are threatening, they are beating you up, insulting, and they are threatening to kill you। you should have prayed, please save us from their hands and hide us in a cave। aise prarthana karna chahiye, hame chupao prabhu, unko sabko maar lalo, aise nahi kehta। वो कहते हैं, उनके धमकियों को देख, हमारा डिसीजन सुनो। उनके धमकियां सुनकर हमारा के देखकर निर्णय भी तो सुन ले, हमें ऐसा वरदान दे, अपने आप का प्रतिष्ठित करने का वरदान नहीं। आमेन। टू मेक अस इनविजिबल व्हेन दे कम, नो, वी वांट टू फेस देम विद बोल्डनेस एंड स्पीक योर वर्ड्स बोल्डली। हमें उसके सामना करना है, इतना हिम्मत से बोलना है। पहले जितना हिम्मत से बोलते आया, उसे दुगुना हिम्मत से बोलना है, उसके वरदान दे। They knew what they have, they knew what their tongue is, hallelujah, the louder they spoke, amen, the sharper that sword will become। जितने हिम्मत से और जितने ऊंचे स्वर से बोलेगा, उतने ऐसे तलवार बन जाएगा, amen, तेज तलवार बन जाएगा। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम करे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे हुए थे हिल गया,
और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन ही आओ से सुनाते रहे. Where did you get your inspiration? You asked them. They said, we heard our blessed Lord, amen, challenging the decree of Herod. अमेर हमने सुना यीशु ने हेरोद को जो उत्तर भेजा, हे लोमड़ी मैं करूंगा और मैं करूंगा, हमें पब्लिक में करूंगा. दिस इज व्हाट माय ब्लेसेड लॉर्ड, दिस इज हाउ माय ब्लेसेड लॉर्ड रिटॉर्टेड टू द कमांड ऑफ हेरोद, एंड वी आर हिज चिल्ड्रन, वी हैव इनहेरिटेड हिज टंग, हम उसके संतान है. ही सेड गो एंड टेल दैट फॉक्स, आई विल डू इट पब्लिकली. इसके लिए वो लोग कहते चिन्ह और चमत्कार होने दे, लोगों के सामने होने दे. लेट देयर बी साइंस एंड वंडर्स नाउ एज जीसस वुड डू. हालेलुया. लेट इट बी नोन टू द होल वर्ल्ड दैट वी आर हिज सर्वेंट्स. Amen. We are his witnesses, such wondrous witnesses as we are. Amen. We are the refined gold in the making. We are the precious stone being polished. Duniya ko maloom padne de. Iske liye aisa unhone prarthana kiya. Wo pavitra atma se bhar gaye aur parmeshwar ka jo vachan hai ye aao se sunate gaye. Amen. They were all shaken. The place was shaken. Aise kehte unhone jo hum baitha tha wo sthan to hil gaya. Hallelujah. इतना सामर्थ्य उत्तर कराया और वह बल के ऊपर बल पाया. एंड कंटिन्यू टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड विद मोर बोल्डनेस, पहले से ज्यादा ही आओ बांध कर, पहले से ज्यादा हिम्मत से जोर से वो लोग बोलने लगा. आमेन आमेन. दे वुड इमिटेट जीसस हैविंग इनहेरिटेड हिज टंग. वो यीशु का अनुकरण करेंगे. यीशु का जीव अब उनका जीव बन चुके हैं, जैसा यीशु ने वचन दिया था. उसके बाद जो अध्याय से हम 29-30 पढ़ते हैं, पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है. कहते वी विल नॉट बी अफ्रेड, we refuse to get intimidated. हम ऐसे भयचकित नहीं होते. तुम्हारे धमकियों के सामने घुटने टिकाने वाले लोग हम नहीं है, मुंह बंद करने वाले लोग नहीं है. उन्होंने कहा कि तू किधर भी जाओ आराधना करो, हल्लेलुया बोलो और तुमको कितना गीत गाना गाओ, लेकिन यीशु के नाम में प्रचार नहीं करने का. they did not prohibit them, prevent them from praying or crying or singing. They said, you don't preach in the name of Jesus. ये लोग कहते हैं हम तुम्हारा नहीं सुनने वाला है, तुम्हारे धमकी के सामने घुटने टिकाने वाले नहीं है. We are not going to kneel down or bow down at your threatening. Hallelujah. Peter said, we must obey God rather than man. और हृदय में वो निर्णय रखो ना, चिल्ला के क्यों कहते हैं कहूंगा कहूंगा. स्वर्ग कहते हैं, not we who are screaming and yelling, it is heaven roaring through our mouths. heaven कहती है, स्वर्ग कहती है, amen. मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है. हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला. ये भी सुन ले, तुम लोगों ने उसको मार डाला और हमारा बाप दादाओं का परमेश्वर ने उसको जिलाया. आमेन. अब ये भी सुन ले, सुसमाचार सुनने वाले मुंह से ये भी सुन ले. आमेन. द माउथ दैट विल डिक्लेयर दैट विल प्रीच द गॉस्पेल वुड ऑल्सो डिक्लेयर योर वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट फॉर यू दैट यू किल्ड हिम, you murdered him, but God the father of our patriarchs, God of our fathers raised him back to life. yes sir hallelujah. ye jeev uske liye hai. hallelujah. hum aage badhte hain, hame wahan se aur bhi padhna hai to samay wahan se 9 adhyay se 28 padhte hain. I'm afraid we're running out of time. 28. उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा. सॉरी 19वां अध्याय प्रेरितों का 19वां अध्याय का 28
नहीं नहीं नहीं, मैं गलत गलत पढ़ता, ये तो एक भी दिखता, नौ भी दिखता, नौवा अध्याय से 28 है। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निडर होकर प्रभु के नाम में प्रचार करते रहा। निडर होकर They went in and out among them at Jerusalem, preaching boldly in the name of the Lord. घुसना नहीं करता, यरूशलेम में नहीं आना, यहां प्रचार नहीं करना, but they will go frequently, they will frequent such a place where there is a prohibition order. Amen. यहां उनको कहते कभी नहीं आना, वहां बार बार जाकर बड़े हिम्मत से प्रचार करते रहता। Amen. हम उसके आगे बढ़ता है, दूसरा वचन है 13 अध्याय में से 44 से पढ़ता। अगले सबत के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाल से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। A verdict will come out, a judgment will come out of the mouth of Paul. They will oppose him. They were filled with jealousy. And they wanted to shut their mouth. Paul says, we are leaving you now. We are turning to Gentiles. हम तुझे छोड़कर हम ऐसे जातियों के पास जाएंगे, लेकिन तुमने तुम्हारे ऊपर दंड बुला के लेकर आया है। You have invited for the wrath of God on you. You are condemned by this action of yours. This is how God's people will speak. Amen. This is the decree of heaven. वो पौलुस का मुंह नहीं है, हालेलुया। ये पौलुस के मुंह के द्वारा यीशु बात करता है, न्याय करने वाला यीशु है। पिता परमेश्वर ने न्याय करने का पूरा हक प्रतिकार यीशु को दिया, इसे हम पढ़ते हैं। वहां से हम आगे बढ़कर 14 अध्याय के तीसरे वचन में इसे पढ़ते हैं। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर भी आओ से बातें करते थे। So they remained there for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done on their behalf by their hands. वो लोग ऐसे बहुत हिम्मत से बातें करते हुए वहां ही ठहरा और परमेश्वर ये वचन को स्थिर करने के लिए चिन्ह चमत्कार प्रकट करते ही गया। हम आगे बढ़ते हैं 19 अध्याय में जाकर हम प्रेरितों के पुस्तक से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। We move on to 19th chapter. उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। Now he will not only preach, but he would debate. Hallelujah. ज्ञानी लोग आते हैं, महान लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास नहीं डरता, नहीं डरता, ऐसे हिम्मत से बात करता। अभी अपोलोस भी आ गया, बड़े हिम्मत से बात करता, वाद विवाद करता, छोड़ता नहीं है। आमेन, आमेन। We will not be afraid of those who will ask for a justification of our faith, an explanation of this great faith of ours. कोई भी पूछे, कोई भी विवाद करने आए तो हम डरते नहीं है उनसे, उनके सामने भी हम हमारा विश्वास का, बड़े हिम्मत से विश्वास का प्रचार करेगा। हम आगे बढ़ते, सिर्फ पौलुस नहीं है, पात्रस भी वही कहता, अपोलोस भी वही कहता, चेले लोग सब वही कहता। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते रोमियो के पत्रिका में, रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय का 31वां वचन पढ़ते पहले, Romans 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। अभी आपको पता चला क्यों भजन में ऐसा हमने सुना, क्यों परमेश्वर के भक्तों के मुंह से यह शब्द निकला। आमेन। उनको पता था परमेश्वर उनके ओर है। आमेन। Having known that the Lord is for us, if the God is for us, who can be against us? Who can shut our mouth? Amen. Who can steal away such words and proclamation of faith from our heart?
एंड आवर माउथ्स, आमेन। कौन चिल्लेगा हमारे शब्द को, कौन बंद करेगा हमारे मुंह को? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए है, हमारी ओर से है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, यही हिम्मत की बात है। आमेन, आमेन। हम आगे बढ़ता है, आवाज से आगे बढ़कर उसका 10वां अध्याय का 20वां वचन पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए यशायाह बड़े घियाव के साथ कहता है, देन यशायाह सो बोल्ड टू से, आई हैव बीन फाउंड बाय दोज हु डिड नॉट सीक मी, आई हैव शोन मायसेल्फ टू दोज हु डिड नॉट आस्क फॉर मी। इसलिए यशायाह ने बड़े हिम्मत से यह कहा, वो कहने के लायक शब्द नहीं है उन दिनों में, लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो वाचक को तोड़ते, जो परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उनके पीछे प्रभु नहीं जाएगा, उसको बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना हिम्मत से क्यों यशायाह ने यह बात कहा? पता है, यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, सब खर्च चुका है, हो गया। इनको छुड़ाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए, ऐसे पापी को बचाने के लिए सारा काम, सारा प्रबंध हो चुकी है। आमेन। इसलिए हिम्मत से उन्होंने, ऑल दोस प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड हैड सच बोल्डनेस इन स्पीकिंग बिकॉज़ दे न्यू, हालेलुया, द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट दे हैड सीन विल बी परफेक्टेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, एज अब्राहम सेड, इट विल बी रिवील्ड ऑन द माउंटेन ऑफ गॉड। हालेलुया, इसलिए हिम्मत था, जैसे अब्राहम के मुंह से निकला, हालेलुया, परमेश्वर के पर्वत पर प्रकट होगी। वो लोग जानते थे, भविष्यद्वक्ता ये जानते थे, यीशु प्रकट होगा, मसीह आएगा, हालेलुया। इसके लिए कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के ओर हाथ बढ़ाता, आमेन, मुझे नहीं ढूंढते, उनके उनके लिए मैं गया और उनको मैंने अपनाया। हमें ऐसे लोग, खोए हुए लोग, उससे दूर चले गए ये लोग, भ्रष्ट हुए हुए लोग, हालेलुया, पाप में मरे हुए लोग, हालेलुया, हमारे लिए उसने हाथ बढ़ाया, दाहिने हाथ बढ़ाया। वी आर दोज पीपल, हालेलुया, डेसर्टेड फ्रॉम हिज प्रेजेंस, गॉन फार्दर अवे एंड गॉन एस्ट्रे, हालेलुया, डेड इन अवर सिंस एंड ट्रेसपासेस। वी आर दोज पीपल फॉर हुम ही एक्सटेंडेड हिज हैंड, हिज नेल पियर्स्ड हैंड्स एंड गैदर्ड अस अनटू हिमसेल्फ। हालेलुया, इसलिए वो हमें ढूंढ कर निकाला, ही सर्च फॉर अस। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे कोरिन्थी में जाता, तीसरा अध्याय का 11-12 पढ़ता। हम ये वचन अभी पढ़ के आया, तो हम ये सीख रहे इसमें से। इसके लिए कहते हैं, क्योंकि हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार, सॉरी, मैं वही पढ़ता, तीसरे अध्याय का 11-12, मैं 14 से पढ़ा। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा वो भी तेजोमय क्यों नहीं रहेगा? इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं, मोसेस हैड अ डिमिनिशिंग ग्लोरी एंड इफ ही वर सो बोल्ड, व्हाई विल वी नॉट बी बोल्ड? मूसा, उसको ऊपर जो महिमा प्रकाशित हुआ था, वो घटने वाली महिमा था। ऐसे घटने वाली महिमा पाकर मूसा इतना हिम्मत से बातें कर सकता, ऐसा हुक्म दे सकता, तो हम ऐसी महिमा को प्राप्त किए, वो सदा बढ़ने वाली महिमा है। The glory that we have been given is something that grows. It grows from glory to glory. How much more bold we will be? We will be bolder. Amen. We will be more confident than Moses, who had his glory on his face, which kept diminishing. हम आगे बढ़ते हैं। हम एफेसी में आता है। एफेसियों की पत्रिका 6वां अध्याय से 17-20 पढ़ता। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आमेन। दिस इज योर सोर्ड, द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड द वर्ड ऑफ गॉड विल कम आउट ऑफ योर माउथ, एंड इन ऑर्डर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टू कम आउट ऑफ योर माउथ, इट शुड फिल योर हार्ट, एंड इन ऑर्डर फॉर दैट वर्ड टू फिल योर हार्ट, इट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अबव। आमेन, आमेन। ये आत्मा का तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है, संकेता यीशु है वो। आमेन, उसके आत्मा में, हृदय में रहता। आमेन, हृदय में वचन है तो मुंह से निकलेगा, तलवार के समान निकलेगा। आई विल वील्ड द सोर्ड, हालेलुया, मैं तलवार फिराएगा, मैं तलवार लहराऊंगा, हालेलुया, मैं फिराऊंगा मेरे तलवार को। वो परमेश्वर का वचन है, दुश्मन को गिराने वाली है। आमेन,
आमेन। हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब बात आप पढ़ना, बाकी सब आप बात आपके लिए है। मैं आगे बढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्रिका में आता 4:3 से पढ़ता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के ऐसा द्वार खोल दे और हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद होगा, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। यू प्रे फॉर मी, Paul is saying, continue to pray for me that I will preach the word. जैसा प्रचार करना चाहिए वैसा प्रचार करने के लिए मेरे लिए ना सिर्फ द्वार खोल दिया जाए, जैसा मैं कड़ा हो जाऊंगा, I may make it clear which is how I ought to speak. That is how we ought to speak. Hallelujah. We have to wield the sword. Hallelujah. हमें ये तलवार का इस्तेमाल करना है, ये तलवार को रहराना है परमेश्वर के जनो। इतने वचन सुनने के बाद यही हमें आह्वान मिलता है, यही उपदेश पाता है। ये तलवार यीशु की है, हम यीशु का वचन बोलने के लिए है हमें। दिस इज टू डिक्री गॉड्स डिक्रीज, और परमेश्वर के न्याय को सुनाने के लिए है, इसलिए हम सुनाते रहेंगे। इसलिए वो तिमोथी को कहता, पहली तिमोथी 4:11 से पढ़ता है कि तिमोथी इन बातों की आज्ञा दे और सिखा। तेरी जवानी को कोई तुच्छ नहीं समझे, कोई टट्टा न उठाए, कोई नहीं समझे तू छोटा है। यरेमिया छोटा था बोलेगा, हालेलुया, तुम भी बोलोगे, हम बोलेंगे, प्रभु से पाकर बोलेंगे, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझे। नोबडी शुड डिस्पाइज योर यूथ, हालेलुया हालेलुया। तुम बने रहो जो विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। यू शैल सेट एन एग्जाम्पल फॉर दिस पीपल बिकॉज यू रिसीव द वर्ड। वो कहते कि तूने वचन को पाया है, वो वचन पढ़ते रहो, वो पढ़ाते सुनाते रहो और सिखाते रहो। ऐसे कहता, डिवोट योरसेल्फ टू द पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, टू एक्सोटेशन, टू टीचिंग। डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड, डू नॉट गेट डिसहार्टेड बाय व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू एंड व्हाट बाय व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन तुम ही आओ बांध कर सुनाते रहोगे, सिखाते रहोगे। हालेलुया। दूसरी तिमोथी क्या कहता है? दूसरी तिमोथी में हम पढ़ते हैं कि 4:2-3 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रह, सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाघना दे और डांट और समझा। यू डोंट बी डिस्करेज्ड, हालेलुया, यू कंटिन्यू टू प्रीच द वर्ड, बी रेडी। जब अवसर मिलता नहीं, अवसर नहीं है तो भी तैयार रहो, हमें बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। हालेलुया, प्रीच, रिब्यूक, टीच, रिप्रूव, एक्सॉर्ट, आमेन। Wield your sword, amen. तलवार को लड़ाओ, तलवार को फिराओ, बोलते रहो, ऐसा कहता है। हालेलुया, जो करना है जब समय आता तब करना है, सहनशीलता शिक्षक के साथ करो, उलाहना दो, डांटो और समझा दो। हम आगे बढ़ता है, हम इब्रानी में जाता, इब्रानी का 13 से एक ही वचन पढ़ूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कारण बहुत है, कारण बहुत है। जीसस सेड इट इज फिनिश्ड, ही डिडंट स्टॉप देयर, ही असेंडेड टू हेवन एंड ही इज इंटरसीडिंग फॉर मी। इसलिए ज्यादा हिम्मत है, हालेलुया। वो स्वर्गवासी हुआ, वो मरे हुए से जी उठ कर आया और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ कर मेरे लिए बिचवाई करता, इसलिए मेरा हिम्मत बढ़ गया है। आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम बोल्डर, हालेलुया, देन द प्रोफेट्स ऑफ ओल्ड। बीते हुए दिनों के जो भविष्यवक्ता है उससे ज्यादा हिम्मतवान मैं हूं, क्योंकि अब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठकर हालेलुया परमेश्वर के दाहिने भाग पर मेरे लिए बिनती बिचवाई करता रहता। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, पर अध्याय का 16 पढ़ते हैं। वो अपने दाहिने हाथ में 7 लिए हुए था, उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। यह प्रज्वलित उसका मुंह देखो, यह घटने वाली महिमा नहीं है, हालेलुया। यह कोटि कोटि सूरज साथ में जब चमकता वैसा है, लाइक 1000 सन्स शाइनिंग टुगेदर इज हिज फेस, दिस इज नॉट दैट ग्लोरी दैट विल डिमिनिश, हालेलुया। और उसके हाथ में 7 है, हालेलुया, उसके 10 लोग है, हालेलुया। He has held them tight in his hand, he has secured them, and then his mouth shows,
his mouth exhibits, reveals that sword. Amen. Amen. वो तलवार दिखाता है, उसका मुंह का तलवार है, उसका जीव है वो. वो कहते हैं उसके मुंह से तेज दो धार वाली तलवार निकलती है. ये तलवार मेरे मुंह से होकर बात करेगा, ये तलवार आपके मुंह से होकर बात करेगा. हालेलुया. जैसे हम ये तलवार को फिराते हैं, जैसे तलवार को लेकर आते हैं, स्वर्गीय ये शब्द निकलेगा. हालेलुया, हालेलुया. एवरी वर्ड विल बिकम ए डिक्री फ्रॉम हेवन. एवरी वर्ड वुड हैव गॉट मी पॉलिश्ड अगेन. एवरी वर्ड वुड हैव रिफाइंड दिस गोल्ड. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हर शब्द ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനിക്ക് വേണ്ടി വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം ബലമുള്ളവനായി വാട്ടമില്ലാത്ത മഹത്വം ധരിച്ചതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ കത്തിയാളുന്നത് പോലെ, ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് തിളങ്ങുന്നത് പോലെ വിളങ്ങുന്ന മുഖമുള്ളവനായി, അവന്റെ കയ്യിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പിടിച്ച് ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവദാസിമാരെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇരുവായ് തലയുള്ള വാള്, ഹല്ലേലൂയാ, അതത്ര എന്റെ വാള്. ആ വാളത്ര ഞാൻ വീശുന്നത്. അത് വീശുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ നിയമം ഇവിടെ നിയമമായി മാറും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന രക്തമായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ട കല്ലായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വിശിഷ്ടമായ സ്വർണമായി വിളങ്ങും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. ബാരാ സബ് പഠത്തെ മേ സോച്ചതാ താ ഉസ്കോ അന്തിമേ പഠേംഗേ. ഹം പഠത്തെ ഹൈ. ഹം ഐസെ ആഗേ ബഢ്തേ ബഢ്തേ ബാരാ കാ ഗ്യാരാ പഠത്തെ ഹൈ. മേ മേമനേ കേ ലഹു കേ കാരണ അപ്നി ഗവാഹി കേ വചന കേ കാരണ ഉസ് പർ ജയവന്ത് ഹുവേ. Now we know how all these people conquered. How they conquered. They conquered by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Hallelujah. When Jesus said it is finished, the blood did its job. Amen. When I have my testimony, amen, it perfects it. Amen. Yeshu ne kaha, sab kuch khatam hua, sab kuch kiya, pura kiya gaya, pura hua. It is finished. The blood has done its complete work. And now my tongue will do the rest. Amen. It will help me getting perfected. It will help me to get polished. It will help me to be refined gold. Hallelujah. Yeshu ke lagu ne uska kari kiya, pura pura udhar mein paya. अब मैं बोलूंगा मेरे मुंह से, हालेलुया, मैं जीतूंगा, दुश्मन को पर जय पाऊंगा. गवाही के वचन के कारण जयवंत होंगे. हाँ, वो लोग जयवंत हुए, हम भी जयवंत होंगे. यीशु के नाम में आमेन, आमेन. हम आगे बढ़कर 19वें अध्याय से एक वचन पढ़ता, 19वें अध्याय का 15वां वचन पढ़ता. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. वो लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा. हालेलुया. यीशु आ रहा है, ऐसे तलवार लहराते हुए आ रहा है. He comes wielding his sword, that nothing but the tongue, the word of God. Amen. For a second time, he will come to judge the world, to destroy his enemies with the word of his mouth. That is the sword. The two-edged sword. Hallelujah. Behold, he comes. Yeshu aa raha hai. Talwar lekar aa raha hai. Hallelujah. Usko vachan lekar aaya hai. Shastra ko mitane ke liye aa raha hai. Jo vachan ke karan wahi talwar lagra kar hum bhi jeet payenge. Wielding the same sword. We will be more than conquerors. Yeshu ke naam mein. Hum samapt karta. अंदी में लिख रखा है यूहन्ना 20 का 28. थॉमस परमेश्वर का चेला. यीशु ने कहा सब कुछ पूरा किया गया. Jesus said it is finished, and the risen Lord will appear to them, though he doubted earlier. पहले उसने शक किया, संदेह किया, लेकिन वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा. दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, चेला लोगों के सामने, प्रेरितों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, तू सिर्फ उद्धारक नहीं है, तू सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं है, तू प्रभु है, तू परमेश्वर है. You spoke right.
of us. Though late, you spoke right. Better late than never. तो माँ देरी से कहा, लेकिन सही कहा। तूने कहा, वो सिर्फ उद्धारक नहीं है, वो सिर्फ चरवाहा नहीं है, वो सिर्फ मार्ग नहीं है, वो प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। यीशु के नाम में आमेन आमेन। वचन परमेश्वर है, वचन मेरे मुंह से निकलेगा, सामर्थ्य से निकलेगा, वचन प्रभु है, वो जय पाता, जीवन देता। यीशु के नाम में आमेन आमेन। हम अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंप दे। प्यारे पिता, हमें ले ले, हमारा मुंह को, हमारे जीभ को, हमारे हृदय को शुद्ध कर। पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, ताकि यीशु की खूबी जब तक मुझ में प्रकट न हो जाए, तब तक till the beauty of Jesus be seen in me. Refine this gold, strengthen this heart of mine. मुझको बलवंत बना, मुझको शुद्ध कर प्रभु, that I may wield this sword and cut the enemies off. Emerge a conqueror, more than a conqueror. Refined gold, precious stone, living stone. Jeevta patthar sa. Amen. Chamakne wali, bahut kimti maan. Aise patthar sa. Amen. Aise shuddh sona sa. Main nikal jaau, jaivand hokar aau. Teri kripa se hogi. अपने आप को सौंप देता, परिवार को सौंप देता, कलीसिया को सौंप देता, देशवासियों को सौंप देता प्रभु, तेरे संतानों को सौंप देता प्रभु। हमें ले ले प्रभु, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हमारे मुंह में सही शब्द डाल प्रभु, विश्वास की शब्द बोलने के लिए, हिम्मत से बोलने के लिए, विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहने के लिए कृपा दे प्रभु। हम भी प्रभु दुनिया के सामने कहेंगे, सिर्फ राजा है करके नहीं करेगा, तू प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। यीशु के नाम में आमेन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, और जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग किए है, उन सबों के साथ, वो कितने भी दूर के और समीप के क्यों न हो, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और हमारे देश के और दुनिया भर के ऐसे दुख संघर्ष से गुजरने वाला, महामारी के कारण तड़पने वाले लाखों लाखों लोगों के साथ, और उसकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, और पूरा दुनिया भर के यीशु के ऐसे भक्तों के साथ, संतों के साथ, और खास कर अनेक तरह की पीड़ा से गुजरने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा, यीशु के मेरे आगमन तक निरंतर बने रहे। आमेन और आमेन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, सुख शांति से रखते हैं, तंदुरुस्त रखा कर, यीशु के नाम में आमेन। मे द ग्रेशियस लॉर्ड बी विथ यू ऑल, keep you all safe and secure, well provided for, and in perfect health. In Jesus' name, amen. Have a blessed and glorious Lord's Day. Bahut sundar aur aashishit Prabhu Divas ki shubhkamnaye main deta hoon. Amen. God bless.